अभी इफ्तारी करते हैं पहले, चलो करो बिस्मिल्लाह। होगा बट यार इधर आके पूरी थकान भूल गया मैं, मतलब इतना जबरदस्त लग रहा है, मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा माहौल देखा हूँ। तो भाई सबको चांद मुबारक, ईद मुबारक एडवांस में। Assalamualaikum everyone, this is Yazdan। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा और ये ईद के दिन आज का व्लॉग अपलोड हुआ है, तो आप सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। आप सबके लिए मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हम सबको अगले रमज़ान तक पहुँचाए इंशाअल्लाह ताला। आप भी पहुँचेंगे, हम भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको उमरा कराए, वो भी रमज़ान मुबारक के महीने में अगले साल इंशाअल्लाह। आप सबके लिए दुआ है, आप सब लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। गिव एंड टेक वाला मामला ये दुआ का है ना, हम आपके लिए करेंगे, आप मेरे लिए करिएगा। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा बट आई होप आपको बोर नहीं होगा इंशाअल्लाह, बिकॉज हम कल जाने वाले हैं मुंबई, तो वो व्लॉग इसी व्लॉग में कंटिन्यू होगा, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी। और ठाणे जाने वाले हैं हम, और आज हम अभी जा रहे हैं थोड़ी सी इफ्तारी का सामान लेने के लिए। घर पे इफ्तारी होने वाली है मम्मा डैडी के साथ, हरमन मंजोत मेरे भाई बहन मॉम पूरी फैमिली मिलके हम इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, हरमन का कुर्ता हरमन ने सिलाने दिया हुआ है रेमंड में, तो वहाँ पर जाके कुर्ता लेना है, मुझे भी कुर्ता लेना है। मेरा कुर्ता लेट हो गया, मैंने ऑर्डर किया था बट वो लेट हो गया इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, वो आएगा 11 तारीख को, और इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया ईद का। हमेशा ऐसे होता, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, तो मेरी गलती है, कोई इसमें वो नहीं है। आमिर भाई ने मुझे बहुत बार बोला कि भाई टाइम पे मत करना, पहले ही लेके रख लो, मैंने लिया ही नहीं, मेरी गलती, आई एक्सेप्ट माई गलती। तो चलिए अभी चलते हैं, कल हम रोज़े में मुंबई जाएंगे, सुबह 7 बजे निकलेंगे, मस्त रोज़ा लगने वाला। हरमन हरमन की तो वाट लग जाएगी, मेरे को तो चलो अभी आदत हो गई, क्योंकि आमिर भाई के साथ मैं अभी सऊदी गया था तो हमने एक दिन भी रोज़ा नहीं छोड़ा, हम डेली घूमते थे, डेली जाते थे, और इवन हमने मक्का टू मदीना 400 किलोमीटर भी गए, और वहाँ पे भी हमने रोज़ा, माशाल्लाह रोज़ा हमारा था ही, हमने ट्रैवलिंग में रोज़ा नहीं छोड़ा और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते हैं, अभी हम आए हैं वाघोली में, ठीक है, मैं वाघोली में ही रहता हूँ, और यहाँ पे अभी बहुत सारी शॉप्स हैं, कभी मैंने ट्राई नहीं किया यहाँ पे। वैसा होता है ना कि घर के पास जो चीज़ होती है ना इंसान को दिखती नहीं है, जो दूर रहती ना उसी पे बंदा ध्यान देता है, बट यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत सारी शॉप्स हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ पे जाएंगे, अभी देखते हैं कोई शॉप में अच्छा कुर्ता मिल जाए मुझे कल के लिए, तो इंशाल्लाह वो ले लेंगे। हरमन ने तो भाई टाइम पे सिलवाने दे दिया था रेमंड का, वो भी अच्छा वाला, तो हरमन का काम हो चुका है। तो हम आए हैं यहाँ पे सत्यनारायण कलेक्शन, आने दो आने दो, चलो अभी यहाँ पे शॉपिंग करते हैं भाई की। चलो जी यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे इतना भी ज़्यादा फंकी नहीं, नॉर्मल चाहिए। ये देखिए ये अपनी कंपनी होती है यहाँ की, ये बाहर की, प्राइस भी अच्छा है। तुम्हें 5000 लाते हैं, 6000। ये खुला है कि टाइट है, मतलब सलवार टाइट है आपके पास, वो जैसे पठानी होता है ना, खुला है ना। हाँ मस्त है, ये भी अच्छा है, इसकी बात ही अलग है। सही है ना, सही। चलो जी कुर्ता ले लिए, जो मेरा कुर्ता है माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अच्छे ब्रांड का है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब 1000 रुपये मुझे कुर्ता मिल गया, 1000 रुपये में। और हरमन का वो रेमंड वालों ने इसकी सिलाई ही 1500 रुपये की ली है, 1500 रुपीज की सिर्फ सिलाई, कपड़ा अलग, कपड़ा कितने का है? 4000। अरे लूट लिया, नहीं नहीं क्या लूट लिया, कपड़ा अच्छा होगा, होता है अभी क्या कर सकते हैं। तो जी अभी चलते हैं, अभी देखते हैं, अभी इफ्तारी का सामान भी लेना है, मेरे कुर्ते की शॉपिंग तो हो गई है, बाकी कल मुंबई जाके बाकी शॉपिंग करूंगा, क्योंकि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, ईद के तुरंत बाद जाना है मुझे आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रेमंड है, तो बस यहीं पे जाना है अभी। जा भाई हरमन, पूछ के आ तेरा रेमंड शॉप, बड़े लोग है तुम लोग, अपन तो 1000 रुपये वाले भाई। 1 hour later। चलो जी अभी आमिर भाई के ऑफिस में आए हैं, माशाल्लाह गाड़ी खड़ा दी है यहाँ पे, मेरे भाई फ़ोन नहीं उठा रहे,
हमने सोचा डायरेक्टली उनको ऑफिस में ही पकड़ा जाए। और गंदा पड़ा है यार ये, आमिर भाई को बोलना पड़ेगा कि आपके लिफ्ट में ऐसे काम हो रहे, भाई ध्यान दो थोड़ा। लो जी, हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया माशाल्लाह आमिर भाई ने। हम वेटिंग एरिया में बैठ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, भाई की मीटिंग चल रही है किसी मैडम के साथ है ना। सलाम वालेकुम, क्या ले भाई? यहाँ बैठे तुम? बोले पीछे से थप्पा। आमिर भाई मीटिंग कर रहे थे किसी मैडम के साथ, तभी इनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है माशाल्लाह। आमिर भाई सच बताओ कैसा है? अच्छा, 1000 रुपए में सोचो तो बोलेगा नहीं 1000 रुपए का ये, पर अभी सबको पता चल गया। 1000 रुपए में कुर्ता मिलता कहाँ है? वागोली में, वी आर वागोली बॉयज। ये हमारे हमें बद्दूस बोल रहे हैं, देख लो, बोले बद्दूस हो तुम गाँव वाले बोले। चलो जी, आमिर भाई अपने घर पे, हम अपने घर पे। मैंने पूरे रोजे रखे स्कूल से, अभी छुट्टी है तो महीने के बच्चे, पहली बार पूरे महीने के रोजे रखे। गिफ्ट वगैरह, एग्जाम्स भी उसके, इफ्तारी भी उसने एग्जाम के बाद ही की थी 6 बजे। अप्रिशिएट करना चाहिए, गिफ्ट देना बनता है उसको ना। ईदी देना पड़ेगा, ईदी, हाँ ईदी, ईदी आमिर भाई देंगे उसको ईदी। चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस, आमिर भाई हमारे साथ मुंबई नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं मजाक। चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के दिन, है ना। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। हाँ, चिकन कबाब दो के साथ में पैक करवा। चिकन कबाब? नहीं नहीं, मस्त एकदम। नहीं नहीं नहीं, जज़ाकअल्लाह। नहीं नहीं, जज़ाकअल्लाह। अरे अरे, ये देखिए गाइस आमिर भाई की स्माइल माशाल्लाह। चलो आमिर भाई सब बना के देते, चिकन कबाब, ये वाला कबाब, उनके घर का खाना मेरा फेवरेट है माशाल्लाह। और उसी की तुमको कोई शक्ति पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना है, खबरदार है। हम जा रहे हैं खराड़ी, और वहां से कराची स्वीट्स है एक, तो वहां से समोसे, बेस्ट समोसे मुझे आज तक वहां के लगे, और उनकी चटनी, ओहो, भूख लग रही है अभी मुझे, ज़बरदस्त। आपको मैं दिखाऊंगा कितने ज़बरदस्त समोसे होते हैं, वहाँ से समोसे लेने हैं। और एक शॉप मैंने ढूंढ के रखी हुई है, वहाँ से बर्गर लेना है, ठीक है, क्योंकि अपन मैकडी वैकडी तो खाते नहीं, और बट उसके बर्गर भाई मैकडी से 1000 गुना अच्छा और 1000 गुना सस्ता, ज़बरदस्त और एकदम हाइजीनिक, और वो अलग मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी पहुँच चुके हैं हम कराची स्वीट्स, तो ये है कराची स्वीट्स, तो यहाँ से हमने लेने समोसे। समोसे गरम है? गरम निकाल के दे सकते हो? कितना? 10 दे दो भाई, 10 दे दो। इनका अलग ही सिस्टम है माशाल्लाह, देखिए मशीन में निकालते ही लोग। तो ये एक फाफड़ा भी दे दो भाई। तो यहाँ पे देखिए समोसे तले जा रहे हैं माशाल्लाह, और ये देसी घी की हम जलेबी भी ले रहे हैं, आधा पाव दो, मीठा ज़्यादा नहीं खाते हम। निकल गए समोसे। लो जी समोसे ले लिए, फाफड़ा भी ले लिया, अभी लेना है बर्गर, बर्गर। चलो जी अभी इधर से हमें लेना है बर्गर। ये खराड़ी के बाजू में ही ये, यहाँ पे पूरा फूड स्टॉल है, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं हमेशा, और यहीं पे हम थोड़ा सा लाइक फास्ट फूड वगैरह ना यहाँ पे लेते हैं हम। तो हम आए अभी शेफ नेशन था ना, यही है ना, तो यहाँ से अभी बर्गर लेंगे। कौन सा लेना है? ये पनीर खाना है, वेज वाला भी अंदर ना एक, तूने पनीर खाना? वो आलू क्रिस्पी होता है, आलू लो जी बर्गर भी आ गया हमारा, लेट्स गो नाउ। भाई लेट हो गए, 20 मिनट है, 20 मिनट बाकी है। बिस्मिल्लाह, सारा सामान ले लिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ 6-7 मिनट बाकी हैं और हम ऑलमोस्ट घर पहुंचने ही वाले हैं। 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, हम टाइम पे पहुंचेंगे घर पे। और एक चीज़ अगर और मिल जाती ना, विच इज़ सूबिया, जो मैंने सऊदी में पिया था, इतना ज़बरदस्त था वो, बीट रूट का भी होता है ना एक सूबिया। घर आ गए हम, अभी सामान उठाना है सारा। चल भाई अरमन, सामान हमने ले लिया है, सब ले लिया। चलो
और ये हमारी बिल्लो रानी यहाँ पे खड़ी है। गाइस यहाँ पे हमारे डैडी ऑलरेडी बैठे हैं माशाल्लाह, पिंक पग डाल के और दस्तरखान सजा हुआ है। ओहो, मिठाई भी है माशाल्लाह, सब है हमारे पास। और यहाँ पे सामान आ गया, अभी सज जाएगा, फिर अभी इफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह। चलो जी अभी इफ्तारी करते हैं, पहले चलो करो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह ले भाई, चलो बिस्मिल्लाह। तो सी क्या खाएंगे? मैं ना समोसा खावा ना पिज्जा खावा, मैं फ्रूट खाऊंगा। क्या खाएंगे? फ्रूट खाएंगे, ओनली फ्रूट, ओनली फ्रूट। ये डैडी का है फ्रूट, और ये सब सामान ये हमारा है, ये सब माशाल्लाह। मम्मा तोड़े वास्ते पनीर लेके आए, पनीर दा बर्गर, समोसा, ये मिठाई तो कल की है, और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह ये फ्रूट्स हैं। लो जी सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं समोसा, ये देखिए माशाल्लाह, ओए इतना ज़बरदस्त है ना, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। इसका कोई मुकाबला नहीं, कराची स्वीट का समोसा और चटनी। ये चटनी डैडी को भी बड़ी पसंद है, बट डैडी अभी खाते नहीं। मैं खा कर दूंगा। हमने खा के देखा, ठीक नंबर है, खा तो ले, हमेशा ऐसे ही करता है। हाँ जी हमेशा इतनी करते हैं बिना खाए। दे मम्मा को चटनी दे भाई। चलो जी अभी खाना खा के फिर आपसे मुलाकात होती है, ठीक है जी। चलिए लो जी हमें अब जाना है कटिंग कराने के लिए, तो गाड़ी खुल गई है, लेट्स गो। जहाँ पे हम कटिंग कराते हैं वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह, सारे के सारे बंदे, सारे वो रामपुर से हैं और सारे मुस्लिम हैं माशाल्लाह। अभी जाते हैं, कैसे अभी ईद से पहले सब काम हो जाए ना तो काम सेट है। तो अभी कटिंग हो जाएगी, दाढ़ी भी सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम सुबह मुंबई चले जाएंगे, मुंबई जाके अपना काम निपटा के आ जाएंगे, परसों ईद है इंशाल्लाह। चलिए ये है MG स्टूडियो माशाल्लाह, और भाई हमारे ये क्या था ये भाई हमारे हेड वॉश करेंगे अभी। शैम्पू ले लेके आए, आप ही डाल दो, सब शैम्पू ही लगाना, कंडीशनर मत लगाना। जी भाई ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं हमारे सर के ऊपर। गाइस भाई हमें यहाँ पे लेके आए इतने बड़े रूम में अकेला, आई थिंक ये लड़कियों का रूम होगा ना भाई? नहीं, कोई भी बैठ सकता है यहाँ पे। सही है यार माशा। और जनाब क्या हाल है आपके? माशाल्लाह। लो जी भाई ने हमारी कटिंग कर दी है और दाढ़ी भी कट कर दी है, बहुत शुक्रिया समीर भाई। वेलकम सर। वेलकम सर। अरे सर फिर क्या होता है भाई, भाई होता है, ठीक है जी। चले लो जी देखिए डैडी मम्मा यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह। चलिए हम जाते हैं अभी गाड़ी पार्क करते हैं, चलो बाय बाय। मम्मा डैडी बैठे थे वहाँ पे, वो वॉक करते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ना, यहाँ पे वॉक करते हैं मस्त आराम से रात में, बहुत ज़रूरी है भाई उनकी एज के हिसाब से ना, बहुत ज़रूरी होता है। The next day. तो जी सुबह हो चुकी है और हम अभी जा रहे हैं मुंबई, लेट्स गो। रख दिया भाई सामान, गाड़ी भर ली है पूरी अच्छे से, चार्जिंग वर्जिंग लगा दे भाई, एडिटिंग शेडिटिंग करेगा ये बैठ के यहाँ पे। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वाला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। गाड़ी अभी पहले गर्म होगी, कूल स्टार्ट होगी। ये अंग्रेज है भाई। चलो जी अभी घर से निकल चुके हैं, अल्लाह ताला खैरियत से हमें पहुँचाए, हम दोनों अकेले ही जा रहे हैं, लेट्स गो। गाड़ी फुल करानी है अभी, चलो हरमन फुल कर दो। हाँ बस हो गया। तो जी आमिर भाई ने हमारे लिए इंतज़ाम करके रखा था, तो माशाल्लाह आमिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, कैमरे के माध्यम से हमारे व्लॉग के माध्यम से। अभी तो वो सो रहे होंगे माशाल्लाह, क्योंकि वो सुबह 6:30 बजे घर जाते हैं, क्योंकि वो क्या मुनलाइन करते हैं एवरी सिंगल डे, मतलब माशाल्लाह उनके घर का निज़ाम ज़बरदस्त है रमज़ान के वक्त, मतलब पूरी फैमिली मिलके रात भर लाइक तरावी चलती है उनकी, फिर उसके बाद सुबह में तहज्जुद के टाइम तहज्जुद की नमाज, फिर उसके बाद फजर की नमाज, फिर उसके बाद क़यामुल लैल, आई थिंक क़यामुल लैल ही बोलते हैं ना उसको, ज़बरदस्त माशाल्लाह।
तो अभी निकल रहे हैं। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताबें रोशन में लिखी हुई है, और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए, फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा। तो जी पहला टोल आ चुका है, खुल गया देख। क्यों? चलो चलो जी बिस्मिल्लाह, पहला टोल कवर। सामने देखो भाई पहाड़ियां, हो जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है कुरान में एक आयत है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इट्स अबाउट शैतान, शैतान के बारे में है वो आयत। सबका हिसाब हो चुका होगा ना, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, फिर शैतान सामने आएगा, फिर वो जो उसके मुरीद होंगे ना जिनको वो भटकाता था, जिनको वो कहता था कि हाँ भैया अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी चिल मारो, बाद में तुम तौबा कर लेना, अभी तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ, तो उन लोगों के पास आएगा, तो उन लोगों के पास आके बोलेगा कि हाँ मेरा वादा झूठा था। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं इतना तालिब इल्म नहीं हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि शैतान हमें जो भड़काता है ना इस दुनिया में, हमें उसके बहकावे में नहीं आना है, दैट्स इट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि वो हमें मिलेगा और हमें चिढ़ाएगा। मतलब मुझे एक और चीज समझ नहीं आती है कि लाइक अल्लाह ताला ने पेपर लीक कर दिया है हम इंसानों के लिए। आप सोचो कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, आप सोचो आप डॉक्टरी का एग्जाम देने जा रहे हो MBBS का, और आपको कुछ नहीं आता, बट आपको मिल जाए MBBS की पूरी चीटिंग करने का पूरा वो जो कच्चा चिट्ठा है ना, मिल जाए आपको कि भाई कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उसका आंसर क्या होगा, पहले ही आपके पास पेपर आ जाए क्वेश्चन पेपर, तो आप कितने खुश हो जाओगे। सोचो अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। हमें इस दुनिया में जो टेस्ट देना है वो क्या टेस्ट देना है, उसका आंसर क्या है, सब अल्लाह ताला ने बता दिया है, और अगर फिर भी हम उस टेस्ट को पास नहीं करेंगे ना, तो फिर तो मतलब क्या ही फायदा इस चीज का, है ना। और दूसरी बात ये, और दूसरी बात रही नमाज की, देखो हमारे नज़दीक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ना, वो तो मुसलमान है ही नहीं, उसको तो साइड में कर दो। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए, अल्लाह ताला हमें उस काबिल बनाए कि हम नमाज पढ़ सके, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, बड़ी रूहानी बातें करते हैं वो बेनमाजी जो होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया के जितने भी शैतान हैं, शैतान सारे के सारे शैतान मिलके एक बेनमाजी की नमाज नहीं छुड़ा सकते। पता कैसे बताता हूँ मैं, अगर एक बेनमाजी को आप बोलो कि भाई तुम्हें ना कल सुबह जब तुमने फजर की नमाज पढ़नी है पहली सफ में, अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हें $10,000 मिलेंगे। कितने? $10,000। जितने भी शैतान है ना, वो सारे के सारे शैतान उसको भड़काएंगे जैसे हमेशा भड़काते हैं, ऑफ कोर्स, बट वो उनकी बात नहीं मानेगा, वो अपने नफ्स की बात मानेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे $10,000 मिलने वाले हैं पहली सफ में, 4 बजे उठूंगा, 4:30 बजे मस्जिद जाऊंगा, मौलवी साहब आने से पहले ही मस्जिद में जाके पहली सफ में खड़ा हो जाऊंगा। भाई वो बेनमाजी की कोई नमाज छुड़ा नहीं सकता, कोई भी छुड़ा नहीं सकता। तो अगर ये सारा मामला अपने नफ्स का है भाई, तुमने अपने नफ्स को काबू कर लिया ना, जिंदगी जीत जाओगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ठाणे एंटर हो चुके हैं, माशाल्लाह फुल ऑन भीड़ है यहाँ पे, ट्रैफिक इट्स ऑन टॉप। 17 किलोमीटर बाकी है और उसके लिए 40-50 मिनट दिखा रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं बस सामने। सो गाइस ये देखिए बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये पूरा मियाँ भाई इलाका है अपना,
आई थिंक सो। सामने मस्जिद भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल फुल रमजान वाइब्स है भाई, फुल रमजान वाइब्स है, देखो माशाल्लाह भाई पूरा इन्होंने सजाया हुआ है, पूरी बिल्डिंग सजी हुई है भाई साहब, जबरदस्त चांदवान सब लगे हुए, फुल चांद। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो सब्सक्राइबर भी मिल गए माशाल्लाह, इधर पूरा इन्होंने मतलब पूरा मार्केट ही मार्केट है ये तो, और इधर लोग पहचान भी रहे हैं माशाल्लाह। गाड़ी न ठोक देना मेरी, मैं किधर आ गया गाड़ी लेके, गलती से आगे लगता है, इधर नहीं आना चाहिए था मुझे। ये तो पूरा भरे हुआ है, पूरा पूरा, अरे आगे तक पूरा लगा हुआ है रमजान का। सो गाइस इधर तो मेरी जान निकल रही है, चलो जी यहाँ पे गाड़ी डाल लेते हैं, ले लो ले लो, जान दो। ओए हाय, सो यहाँ पे गाड़ी लगा दी है स्कूल में माशाल्लाह, और स्कूल वाले भी हमें जानते हैं माशाल्लाह, इसलिए बच गए हम। चलो भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे यार, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है यार, ये रात में देखना चाहिए नहीं, रात में कितना ज़बरदस्त लगेगा। सामने मस्जिद देखो माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त और प्यारी मस्जिद है, ओ माशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि क्या होगा, मतलब इतनी दूर आए हम कैसे होगा, बट यार इधर आके पूरी थकान भूल गया मैं, मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है, मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसा माहौल देखा हूँ, अगर पहले पता होता तो मैं ज़रूर आता था यार इधर ये इलाके में। लो जी हम आसिफ भाई के पास आए हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया था माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत अच्छे इन्होंने क्लोथ्स दिए हैं, अरेबियन बुटीक, अरेबियन बुटीक कहाँ पे ये? ये सर थाना राबोड़ी में, थाने राबोड़ी जी, और ये पूरा मियाँ भाई का इलाका है माशाल्लाह। जब मैंने एंट्री किया ना, वो जो लाइटिंग्स ही देखा, आई थिंक 2-3 किलोमीटर का है वो, ये एक्चुअली हाँ 2 किलोमीटर का पूरा एरिया है, आप रात को आओगे तो यहाँ की रौनक बहुत ही अलग रहेगी। नहीं क्योंकि मैंने वही देखा ऊपर तारे, पूरा पूरा डिजाइन, वो भी दो कितना ज्यादा दूर दूर तक, पूरा 2-3 किलोमीटर का एरिया सब में पूरा लाइटिंग होती है हर रमजान में, तो ये सिर्फ रमजान में ही होती है, और इतनी ज्यादा लाइटिंग, बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, आपको बहुत मजा आएगा माशाल्लाह, सही में बहुत। एक तो आज आखिरी रोजा है तो अभी उतर जाएगी लाइटिंग, 2-3 दिन में उतर जाएगी। अच्छा सही है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। एक ये है और एक थोड़ा आगे यहाँ जाएंगे तो मुंबरा है अपना एक। हाँ मुंबरा तो पता है ना, ऑफ कोर्स अराउंड 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा मुंबरा इधर ही पास में ही है, ओके माशाल्लाह। लो जी ये है, कौन सी रोड थी भूल गया मैं, ये राबोड़ी, राबोड़ी, और ये अरेबियन बुटीक माशाल्लाह, केविला बोल रही है, केविला फर्स्ट राबोड़ी, फर्स्ट राबोड़ी, और भाई के पास जुब्बा भी है माशाल्लाह। अच्छा ये कंदूरा मिलते हैं क्या? दिस इज यूएई वाले कंदूरा, अच्छी शॉप है। अच्छा ये पूरा स्टिचिंग वाली शॉप है, पूरा स्टिचिंग होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। लो जी ये जुब्बा लिया हमने माशाल्लाह, भाई आगे से दिखाओ मस्त दिखता है वो, ये देखिए, और यूएई वाला जुब्बा यहाँ पे। गाइस हमारे आसिफ भाई ने मुझे ये जुब्बा गिफ्ट दिया है, ये जुब्बा नहीं ये जुब्बा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया भाई, और इन्होंने इनवाइट किया था, और इन्होंने माशाल्लाह मतलब मुझे इधर इन्होंने आई थिंक शर्त रखी थी आपने। हाँ मैं एक शर्त रखा था, बोले कपड़े लेने तो मेरे दुकान पे आना था, मतलब कुछ भी मतलब ऐसे भाई नाते आना है आपको ऐसे ही, तो माशाल्लाह इनकी नियत थी, देख लो आगे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये है अरेबियन, ये यहाँ पे स्टिचिंग होती है, ये स्टिचिंग होती है, और ये बुटीक है माशाल्लाह, तो बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। लो जी अभी वहाँ से निकले हम और यहाँ जा रही, जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये मस्जिद है माशाल्लाह, इसकी एंट्रेंस बहुत प्यारी है। तो ये है वो मस्जिद, इसको बोलते हैं जामिया मस्जिद यहाँ की। चलिए भाई मुझे एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो इस वजह से मुझे शॉपिंग करनी थी, यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ाई थी माशाल्लाह, अभी यहाँ से निकलेंगे। स्कूल वाले भी बहुत प्यारे थे माशाल्लाह, उन्होंने इतनी मदद की, हो ज़बरदस्त, नहीं तो हम कहाँ गाड़ी खड़ाते यार। आन दो भाई,
डर के गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे मियाँ भाई के इलाके में। सब अपनी बर्गमैन लेके आ रहे हैं मियाँ भाई। देखो ना इधर तक भाई, इधर तक लगा हुआ है पूरा ऊपर तक। देखो ना हर गली हर मोहल्ला पूरा छाया हुआ है भाई। बोले ये देखो, ये हमारे भाई की दुकान अरेबियन बुटीक माशाल्लाह। ये थी अरेबियन बुटीक माशाल्लाह। तो सब लोग साइड नहीं होते यार। अभी हमें पढ़नी है नमाज, अभी आगे दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। कहाँ पे? ये लेफ्ट साइड में जियो का ऑफिस है आई थिंक। बहुत बड़ा जियो का लोगो लगा हुआ था, आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले। तो माशाल्लाह जबरदस्त है यार, ज़्यादा ही बड़ा ऑफिस बना हुआ है। आई थिंक हेडक्वार्टर होगा जियो का, पॉसिबल है। लो जी हम आए हैं नेरुल। आई थिंक ये नेरुल है, फ्रॉम नॉर्थ। सो गाइस गाड़ी यहाँ पे खड़ा दी हमने और मस्जिद ये है भाई। बहुत डिफरेंट मस्जिद है यार, दिखी भी नहीं वो दूर से नहीं दिखी क्योंकि गुम्बद नहीं था ना। हमें गुमान होता है कि गुम्बद होता है मस्जिद में, बट ये मस्जिद है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है ये तो, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो चलिए नमाज पढ़ के मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ये मस्जिद का मेंबर भी बहुत अलग है माशाल्लाह। ये देखिए ये मेंबर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे सारी बुक्स पड़ी हैं। और ये सेम मदीना वाला कालीन है माशाल्लाह, सेम टू सेम। तो हरमन नमाज पढ़ रहा है, और जो हरमन के पीछे आप जो वो जगह देख रहे हो ना, वहाँ पे जो सफ़र वाले लोग होते हैं उनके लिए भी रहने का इंतज़ाम है, आराम करने का इंतज़ाम है यहाँ पे माशाल्लाह। बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेंबर जो है, बहुत अलग है। तो गाइस ये थी वो मस्जिद, मस्जिद का नाम है अशम्स। क्या बोला वो? अशम्स मस्जिद है, खारगर है ये, खारगर सेक्टर 10 माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो जी हमारी नमाज होगी माशाल्लाह, इतनी प्यारी मस्जिद थी, इतनी प्यारी। ओहो, तो अभी इफ्तारी से पहले हमें घर पहुँचना है, आई विश पहुँच जाएँ, नहीं तो इंतज़ाम है। खजूर लेके आए हैं हम, और एक पानी की बॉटल है, खजूर और पानी से रोज़ा खोलेंगे, घर जाके खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो जी आप बताइए, अकेला बंदा कैसे इतना ड्राइव करे जब साथ वाला सो जाए। ये देखो सो गया था, ये अभी उठ गया जान बुझ के। ऐसा होता है भाई, सो जाते हैं लोग। मुझे भी प्यास लग रही, भूख लग रही, क्या ही बोलूँ, धूप भी लग रही है। देखो धूप के लिए लगाए लग, आराम आराम से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए इतना टाइम लगेगा, टाइम दिख रहा है इधर, 6:30 बजे पहुँचेंगे, 1.5 घंटा और लगने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये दुनिया ना अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बनाई है, ठीक है। ये जो दुनिया है स्पेशली हम इंसानों के लिए बनाई है, पर हम इंसान अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए बनाए हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत डीप है, अगर आप इसको एकदम ऐसा गहराई से समझ जाओगे ना तो माशाल्लाह ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुसाफिर हैं हम इस दुनिया में, हमें यहाँ से चले जाना है। मैं इसरार अहमद साहब का भी बयान सुन रहा था, एक्चुअली मैं तब से बयान ही सुन रहा हूँ, ठीक है, जो जो सुनता हूँ ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें वो कह रहे थे कि अगर इस दुनिया में सही से रहना है ना तो कसरत से मौत को याद रखो, कसरत से, क्योंकि जब तुम मौत को याद रखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि हम इस दुनिया के लिए नहीं बनी है, हम इस दुनिया के लिए नहीं बने हुए, ये दुनिया हमारे लिए है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो कसरत से मौत को याद रखो, हमें इस दुनिया से चले जाना है और हमें आखिरत में जाना है माशाल्लाह। आखिरत में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, इस दुनिया में जद्दोजहद करके, स्ट्रगल करके, तो स्ट्रगल करो, जितना हो सके उतना स्ट्रगल करते रहो। देखो मैं इतना कुछ ज़्यादा बड़ा मैं ज्ञानी बाबा तो नहीं हूँ, ना ही मुझे कुरान पढ़ना आती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम पता है मुझे, ये मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला क्या कहता है हमसे, क्या चाहता है वो पता है। बट इंशाल्लाह और अच्छा बनूंगा, और सुधर रहा हूँ, और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं 2 साल का हूँ ना यार, 2 साल का हूँ मैं अभी, थोड़ा बुढ़ा होने दो मेरे को, है ना, थोड़ा करूँगा इंशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह। Moments later. लो जी अभी आमिर भाई के घर आ गए, इफ्तारी के टाइम, सही टाइम पे आए माशाल्लाह। चलो जी तो
लो जी माशाल्लाह रोज़ा सब ने खोल लिया है, मैं बाकी हूँ बस। बिस्मिल्लाह। मिस्टर यासीन अच्छा मेरे लिए, अच्छा वेज इसके लिए चाप, ये चाप इसके लिए, चाप मीन्स ये मटन का होता है क्या? रिब्स, अच्छा रिब्स जी चाप, ये आपके घर की चाप है? आमिर भाई प्रमोशन करने में एक नंबर है, बिस्मिल्लाह चाप खा रहा हूँ। आज काट दिया पाला हुआ, आज कैसे काटा? बकरा स्पेशल हुआ है, आज आखिरी रोज है ना इसलिए काट दिया। शैतान छुड़ गया, अभी कुछ बोल सकता हूँ। सो गाइस ये गेस करिए ये क्या चीज़ है, आमिर भाई बताइए आप। ओके आप बोलोगे बताएंगे। ये औरंगाबाद की फेमस डिश है, फेमस डिश है, बहुत फेमस। और ये मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बताइए भी उसका, ये क्या है, ये इसके साथ है क्या? ये कलिया है। और ये बताइए, अच्छा ये कलिया है, कलिया दिखाओ तो सही। अच्छा ये है कलिया, ओह ये इसको डुबा के रखो, डुबा के रखो, डुबा के रखने का। हाँ थोड़ा डुबा के रखना पड़ता है, वो सोप करेगा ना, उसके बाद में तुम खाओगे तो मजा। बिस्मिल्लाह। औरंगाबाद का स्वाद पुणे में। ओह सो कौन नमाज पढ़ाएगा आज? आमिर भाई पढ़ा रहे माशाल्लाह। सो गाइस आमिर भाई ने मगरिब पढ़ा दी हमें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त की रात ज़बरदस्त थी माई की। वो मंगवा ली है आपको, ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको। कल आ रहे हैं कल इंशाल्लाह सुबह आएंगे ईद की। तो भाई सबको चांद मुबारक, ईद मुबारक एडवांस में। एडवांस में नहीं, ये व्लॉग ईद वाले दिन आएगा। अच्छा ईद वाले दिन आएगा, कल आएगा मतलब। सबको ईद ही मुबारक से डायरेक्टली। हाँ ईद मुबारक माशाल्लाह। तो इनके घर पे खाना आज खाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। तारीफ करते झूठी तारीफ करते, अच्छी झूठी नहीं सच्ची तारीफ। नान खलिया खाया माशाल्लाह भाई, सच में बहुत ज़बरदस्त। मतलब मुझे आपके घर का खाना बेस्ट लगता है। मैं नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ बाहर, बट आपके घर का खाता हूँ। और वो भी तरी तरी बिना बोटी वाला। ये क्या नॉनवेज? नॉनवेज नहीं खाता लेकिन बोटी निकाल के बोटी भी खाता हूँ कभी कभी। अच्छी लगी ना, जैसे आज अच्छी लगी थी, नरम थी तो खाई मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने जज़ाकअल्लाह मौका दिया। यार इतना रोज़ा लगा हुआ था ना, और इतना आपने पेट खुश कर दिया, पेट खुश किया सच में। दिल के साथ पेट खुश हो गया ना, अजर मिलेगा आपको हम दोनों का। ट्रैवलिंग कर सुबह से शाम तक, इसीलिए आपने ये प्लान बनाया ना अजर कमाने का, जमा दिया मैंने बनाने। चलो चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल का व्लॉग ईद का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे रोजे कंप्लीट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए, एक भी रोजा छोड़ा नहीं ट्रैवलिंग की वजह से या बीमारी की वजह से, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे हमने कंप्लीट किए, सारी दुआएं की आपके लिए हमारे लिए। तो आप सब लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।